हाय फ्रेंड्स, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाते हैं तिल गुड़ के लड्डू। ये लड्डू डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी खा सकते हैं, घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो भी खा सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट बने हैं और एकदम अलग रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए हम रेसिपी देखते हैं। उसके पहले ये देखिए, ये बाइंड करने में कितने इजी है और एकदम ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही इजीली 10 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर ले। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिया है, ये यहाँ पे कोकोनट है जिसे मैंने पीछे का ब्राउन वाला हिस्सा निकाल के ग्रेट कर दिया था, ये ड्राई कोकोनट है। यहाँ पे ये तिल ले लिए हैं, ये अनपॉलिश तिल है। आप जब भी तिल घर में खाने के लिए या यूज़ करें तो अनपॉलिश यूज़ करें। पीनट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ये गोंद है जो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक गुड़ ले लिया है जो 1 कप है। थोड़े से यहाँ पे ये रोस्टेड ग्राम लिया है जिसे हम दालिया बोलते हैं, और थोड़ी इलायची पाउडर है। आइए रेसिपी देखते हैं। इसको पहले हमें रोस्ट करना है पीनट्स को, और इसकी ऊपर की जो स्किन है वो हमें रिमूव कर देनी है। आप पहले जब रोस्ट करें तो इसे देख लें, हाथों में लेके स्किन रिमूव हो रही है, इसका मतलब कि पीनट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम दालिया जो होते हैं उसे भी रोस्ट कर लेंगे। इसे हम ग्राम, रोस्टेड ग्राम भी बोलते हैं, जो चटनी में यूज़ करते हैं इडली की। इसे हम रोस्ट कर लेंगे, 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है और इसे अलग निकाल दें। अब यहाँ पे हम उसी कढ़ाई में तिल रोस्ट करेंगे। तिल को भी हमें स्लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करना है, क्योंकि जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो ये उड़ने लगते हैं और ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इनको भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। वैसे हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसे रोस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही फटाफट रोस्ट हो जाएंगे और आप ये लड्डू 10 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं। अब इसे मैं एक बोल में अलग से ले लूँगी और उसी में हम गरम कढ़ाई में ही कोकोनट को रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो कटोरी वाला ड्राई कोकोनट मिलता है उसका मैंने पीछे का ब्राउन हिस्सा निकाल के ग्रेट करके मिक्सर में टर्न किया था, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक क्रिस्पी बने वहाँ तक हमें रोस्ट करना है। इसको 1.5 से 1 मिनट लगता है रोस्ट करने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा। अब उसी कढ़ाई में हम यहाँ पे घी डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच घी डालना है आपको, और गोंद अगर आप डाल रहे हैं तो उसे फ्राई कर लीजिए इस तरीके से। 2 बैचेस में फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई होगा। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो गोंद कच्चा रह जाएगा, तो लड्डू में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उसका और मुँह में चिपकेगा। तो इस तरीके से हमें जब ये फूल जाए तो उसे निकाल लेना है और उसे गरम घी में ही फ्राई करें। घी ठंडा होगा तो गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने 2 बैचेस में इसे फ्राई कर दिया है। ये कभी कभी इस तरीके से चम्मच में चिपक जाता है, तो इसे निकाल के आप घी में डाल दें और इसे इस तरीके से दबा के फ्राई करें तो ये अच्छे से फ्राई होगा, क्योंकि ये आपस में चिपक जाता है जब हम डालते हैं, तो इसे अलग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसे भी मैं एक अलग कटोरी में ले लूँगी। इस तरीके से हमें हार्डली 5 मिनट लगते हैं ये सब चीज़ें रोस्ट और फ्राई होने में। अब यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी है फ्राई और रोस्ट होके। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर का पॉट ले लेंगे, जार ले लेंगे, और उसके अंदर पहले रोस्टेड तिल डाल देंगे, अब रोस्टेड ग्राम डाल देंगे और पीनट्स भी डाल देंगे जिसकी मैंने स्किन रिमूव कर दी थी, और रोस्टेड कोकोनट डाल देंगे। इस तरीके से हम डाल के पहले इसे मिक्सर में कोर्सली ग्राइंड करेंगे। इसके अंदर गुड़ और गोंद और इलायची हम बाद में डालेंगे, पहले इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लें। ये देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर दी है कोर्सली मैंने। अब इसके अंदर हम हमारा जो गुड़ है और गोंद है और इलायची पाउडर को हम ऐड कर लेंगे, और इन सब
को फिर से हम ग्राइंड करेंगे और फिर से हमें कोर्सली ही ग्राइंड करना है। कोर्सली ग्राइंड करने के लिए आप मिक्सर को पल्स मोड पे ग्राइंड करें। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है हमें, 1-2 मिनट के लिए ग्राइंड करना है पल्स मोड के ऊपर। और इस तरीके से अब हम इसे एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। हमें अब लड्डू बाइंड करना है। यहाँ पे थोड़े से मैंने तिल रोस्ट करके रख दिए थे साइड में, 2 चम्मच जितने। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे क्रंची टेस्ट आता है। और इसे मिक्स करके पहले आप चेक कर लें कि ये लड्डू बाइंड हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच घी को मेल्ट करके डाल दें तो लड्डू अच्छे से बाइंड होंगे। इसमें ओरिजिनल ऑयल है कोकोनट का, तिल का, तो ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। ये देखिए मैंने घी नहीं डाला है, फिर भी बहुत अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप सारे लड्डू बना कर रख लें। ये बहुत ही इजीली और अच्छे से बाइंड होके लड्डू बन जाते हैं। और इतने इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ 15 से 16 लड्डू बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें, जिससे कि मेरे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। बेल आइकन का बटन सब्सक्राइब बटन के पास में ही होता है। और अगर आपको कुछ न्यू रेसिपी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी न्यू रेसिपीज़ बनाने की। थैंक यू।